वो आसिया आपकी क्या लगती थी? बच्ची थी आपकी, आपकी बच्ची थी, बहुत रहमी से साथ को मारा हमारे हमने, हमको इंसाफ चाहिए, हमको जरूरत नहीं होती किसी का, हमको बस इंसाफ चाहिए। तो क्या कारण हुआ वहाँ से आप छोड़ के आ गए, क्यों? वहाँ चौक में जाना भी था पीछे गर्मी को, लेकिन सर्दी और सर्दियों में आ जाते हैं हम, हमारे पास माल मवेशी है उनको लेकर आएंगे, सर्दी ये गर्मी महसूस करती हूँ, तो ज़्यादा ज़्यादा हमें थोड़ा ठहर के आना था, लेकिन हमें बहुत बहुत जगत पड़ गई, हमें वो बहुत गर्म हो रही थी, लोग बहुत शोरों से उठा रही थे पार्टी की वजह से, बहुत हो रही थी ये करेंगे वो करेंगे इस तरह, चलो ऐसे ऐसे को पकड़े हैं उन्होंने, उन्होंने फिर ज़्यादा जोर जोर मचा दिया, जैसे हमारे आप घंटों को मराओगे हम भी ऐसे मारेंगे, जहाँ जहाँ शहरों में हमको नजर आएगा उधर ही मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। शुरुआत में प्रोग्राम किया आपने परी की माँ, परी के पिता और खुद परी की आवाज़ सुनी। सुना आपने कितना दर्द है माँ की आवाज़ में, कितना दर्द है पिता की आवाज़ में, बस वो शायद रो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एक मांग है उनकी, इंसाफ चाहिए। तो वहीं आपने परी का वीडियो भी देखा होगा किस तरीके से वो बोल रही है, देखा आपने कितने कितनी जज्बेकार, कितनी हौसले वाली थी परी, जो शायद अब इस दुनिया में, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वकील दीपिका को धमकियां दी जा रही हैं, केस को बाहर ले जाने की मांग की जा रही है, आरोपी सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में चार्जशीट दाखिल हो रही है, चार्जशीट में कहा जा रहा है निष्पक्ष जांच हुई है, हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। 5 सवाल हैं कठुआ कांड के जिस पर अभी भी उंगली उठ रही है। क्या है ये 5 सवाल, मैं आपको बताती हूँ। यही है वो 5 सवाल जो रसाना कांड की जांच पर उठा रही हैं उंगली। याद दे सकते हैं कठुआ के रसाना में हुआ रेप कांड कई सवालों के घेर में है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बताया गया है कि देवस्थान में नाबालिग को 3 दिन तक रखकर रेप होता रहा, लेकिन देवस्थान की स्थिति देखकर इस पर कई सवाल उठते हैं और क्राइम ब्रांच की चार्जशीट और देवस्थान की जमीनी हकीकत की पड़ताल अब सामने आई है। ये वो देवस्थान है जहां पर परी को रखा गया था 7 दिनों तक और जहां पर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। ये जो जगह देख रहे हैं आप, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा फोकस करें, वो ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये जो दरवाज़ा, इसके ये जो देवस्थान के 3 दरवाजे हैं और 3 गांव के लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। ये दरवाज़ा किस तरीके का है तस्वीर में ये बयां नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ इसके ठीक सामने अगर ये वो देवस्थान है जो 3 गेट हैं, अगर उसमें से ये एक गेट है, तो इसके जो सामने वाला जो जगह है वहाँ पर जंगल का रास्ता जाता है, उसी के 100 मीटर की दूरी पर सांझी राम का घर है। उसी के घर से और इसके ठीक सामने जो जंगल का रास्ता है, जो रास्ता है, वहीं पर परी मिलती है मौत की हालत में। ये देखिए आप, 3 दिन तक नाबालिग को, यहाँ पे 3 दिन कहा जा रहा है लेकिन कई खबरों में 7 दिन भी बताया जा रहा है, 3 दिन तक नाबालिग को देवस्थान में रखा। इस देवस्थान के 3 दरवाजों की देखिए 4 चाबियां हैं, 3 चाबियां रसाना के 13 घरों में बदल बदल कर रखी जाती हैं। इसके अलावा एक चाबी पाटा गांव में है, इस गांव में 30 के करीब घर हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे और शाम 6 बजे से 8 बजे तक सब लोग देवस्थान में ज्योति जलाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुल देवता के स्थान पर रोज 2 वक्त ज्योति जलाई जाती है। और सांझी राम की बेटी मोनिका शर्मा ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 दिन तक बच्ची से देवस्थान के भीतर रेप हुआ, लेकिन 3 दिनों में सुबह शाम लोग आकर माथा टेक कर गए, यदि लड़की को यहाँ छुपाया होता तो पता चल जाता। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, विशाल जंगोत्रा जब जम्मू 6 बजे देवस्थान में बच्ची से रेप किया,
विशाल जंगोत्रा ने, जबकि जम्मू बार एसोसिएशन ने कठुआ गैंगरेप की चार्जशीट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि क्राइम ब्रांच ने जिस विशाल को दुष्कर्म का आरोपी करार दिया है वो घटना के वक्त सैकड़ों मील दूर यूपी के उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के एक परीक्षा केंद्र में एग्जाम दे रहा था। एसोसिएशन ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें वो 12 तारीख को मृदा विज्ञान का विज्ञान की परीक्षा दे रहा था। चार्जशीट, बच्ची को टेबल के नीचे छुपाकर मैट और दरियों से कवर करके रखा, ये चार्जशीट में कहा गया है। देवस्थान में यहाँ टेबल भी पड़ा है जिसकी ऊंचाई करीब 2 फुट होगी, लंबाई 2.5 फुट है। इसके नीचे किसी को छुपाकर रखा जाए तो साफ तौर पर पता चल जाएगा और बेशक इसे सभी तरह से कवर करके रखा जाए। घर के रास्ते में शव मिला था, ये देखिए यही जगह मैं कह रही थी, जिस जगह पर नाबालिग का शव मिला वो जगह सांझीराम के घर और देवस्थान को जोड़ती है। यूं कहा जाए कि देवस्थान से सांझीराम के घर के रास्ते में शव मिला था, ये भी एक सवाल है। सांझीराम के घर के रास्ते के बीच शव क्यों फेंका, जबकि आरोपियों को मालूम था वहां से हर रोज कई लोग गुजरते हैं। ये रास्ता सांझीराम के अलावा अन्य घरों को शॉर्टकट रास्ते के रूप में जोड़ता है। स्थानीय लोगों में सवाल पनप रहा है कि अगर सांझीराम आरोपी है तो अपने घर के रास्ते में बच्ची के शव को क्यों फेंकेगा। और कूटा में धरने पर बैठे रसाना गांव के लोगों का कहना है कि अगर सांझीराम सहित अन्य लोग दोषी हैं तो उन्हें सख्त सजा दो, लेकिन इसकी जांच सीबीआई से कराओ, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी है। सीबीआई की जांच में यदि साबित हो तो वो लोग तैयार हैं। क्या कोई बाप अपने बेटे को रेप करने के लिए बोलेगा? विशाल जो है वो सांझीराम का बेटा है, सांझीराम की बेटी है मोनिका शर्मा। उसका कहना है कि पिता को मास्टरमाइंड बनाया गया है, कौन पिता होगा जो अपने बेटे को कहेगा किसी मासूम से रेप कर दो। क्राइम ब्रांच ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसके पिता को फंसा दिया है और उसके पिता की बकरवाल परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई जमीन का विवाद था। अगर ऐसा होता तो बच्ची का परिवार 40 साल से यहां रहता आ रहा है, अगर कोई रंजिश होती भी तो बच्ची पर क्यों निकालते। ये है पूरा वाक्य, ये है सवाल जो सवाल आपको मैंने दिखाए। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से देवस्थान, उसमें बताया गया कि 4 चाबियाँ होती हैं तो वहाँ पर टाइम बताया गया कि सुबह से शाम वहाँ पर ज्योति जलाने लोग आते हैं। फिर बताया गया सुबह 6 बजे रेप किया विशाल ने, जो कि सांझीराम का बेटा है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहा था। तीसरा ये है कि सांझीराम और वो जो देवस्थान का रास्ता है वहाँ पर बच्ची को फेंका गया, वहाँ पर परी को फेंका गया, लेकिन अगर सांझीराम आरोपी था तो वहाँ पर उसको क्यों फेंकता, ये भी बहुत बड़ी बात है। चौथी बात ये है कि अगर बच्ची को वहाँ, अगर बेटी ने जो बात कही है उस बात में भी दम है कि अगर बच्ची से कोई दुश्मनी थी, बकरवाल समुदाय से कोई दुश्मनी थी, तो 40 साल से उसका परिवार यहाँ रह रहा था, तो फिर क्यों वो अभी क्यों चले गए? अगर वो परिवार रह रहा था तो पहले से क्यों नहीं रंजिश सामने आई? कोई रंजिश थी ही नहीं। और अगर किसी की किसी से कोई रंजिश होती है तो उसके कुछ तो वहाँ पर सबूत देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कई बवालबाजी भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ 40 साल में देखने को नहीं मिला, फिर ऐसा क्यों हुआ? पांचवा सवाल ये है कि विशाल कोई बाप अपने बेटे को क्यों कहेगा रेप करने के लिए, ये कहना है उनकी छोटी बेटी मोनिका शर्मा का। सांझीराम की बेटी का साफ साफ कहना है कोई बाप अपने बेटे को रेप करने के लिए क्यों कहेगा, और अगर कोई दुश्मनी थी भी तो बच्ची पर क्यों निकाली जाएगी। ये अब सांझीराम की बेटी का पक्ष है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा है, वो है विशाल जंगोत्रा का एग्ज़ाम, और दूसरा सवाल है सांझीराम और देवस्थान के बीच में जो जगह है वहाँ पर बच्ची का मिलना। कोई आरोपी अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो खुद को क्यों फंसाएगा, क्योंकि आरोपी तो जब भी कोई जुर्म करता है तो वो तो वहाँ पर सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है, तो सबूत छोड़ेगा क्यों? तो क्या इसके पीछे किसी और का हाथ है? क्या कुछ ऐसा है जो अभी चार्जशीट में खुलकर सामने नहीं आया है? क्या वाकई मोनिका शर्मा जो कह रही है वो बात बिल्कुल सही है? क्या वाकई इस केस में अभी कुछ ऐसी तहकीकात बाकी है जो अभी तक मीडिया में सामने नहीं आ सकी है, और खुद ये मीडिया ने खुद तहकीकात की है? तो ऐसे में सवाल तो बन रहे हैं और सवाल उठ भी रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका भी साफ साफ ये कहना है कि जब वहाँ पर तीन टाइम पूजा होती है सुबह से, जो मैंने आपको टाइमिंग दिखाई है, तो फिर वहाँ पर बच्ची का रेप किया गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, कैसे हो सकता है? सब तो
आरोपी नहीं हो सकते हैं या सब तो साथ नहीं दे सकते, कम से कम एक तो गवाह होता वहाँ पे जो कि बोलता सांजीराम के खिलाफ या अन्य आरोपियों के खिलाफ। हम यहाँ पर आरोपियों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना कि उनका समर्थन कर रहे हैं, ना ही करना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको 5 सवाल यहाँ पर बताए वो 5 सवाल अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि पर्दे के पीछे अभी कोई और सच्चाई है जो आनी अभी बाकी है। फिलहाल यही थी बड़ी अपडेट, और कोई अपडेट अगर सामने आती है कठुआ कांड से जुड़ी तो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।